Hi guys, welcome to Baby Junction. If you are visiting my channel first time, then I will tell you that my name is Yashoda Verma और मैं इस channel पे लाती हूँ mother care, child care, family vlogs and बहुत सारी helpful videos. तो आज का video है ये monsoon care के ऊपर, monsoon में अपनी immunity कैसे बनाए रखना है. तो इसी के साथ आज का video start करते हैं. क्या होता है कि मॉनसून आया लेकिन हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि हमारी अर्थ क्लीन अप हो रही है, हमारा सारा एनवायरनमेंट साफ़ सुथरा हो रहा है, काफ़ी ग्रीनरी बढ़ रही है और बच्चों के लिए काफ़ी फन मोमेंट्स जनरेट हो रहे हैं. जब भी बारिश होती है बच्चे बारिश को देख के बहुत खुश होते हैं. कभी कभी बारिश में खेलने का मन करता है, हमारा भी मन करता है. बारिश हो रही है, पकौड़े बना लेते हैं, आलू के पराठे बना लेते हैं, मतलब तला भुना कुछ भी बनाने का मन करता है. लेकिन क्या आपने ये कभी सोचा है कि बारिश होने के साथ साथ आपकी हवा में इतना ज़्यादा मॉइस्चर हो जाता है कि जितने भी सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो आपकी हवा में ठहरे रहते हैं और जो कि आपकी बीमारियों को बढ़ाने में काफ़ी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं. प्लस इस टाइम कोरोना वायरस भी चल रहा है तो इम्यूनिटी जो होती है सभी की, बच्चों की या बड़ों की, काफ़ी ज़्यादा लो हो जाती है. तो उस इम्यूनिटी को हमको एक रेजुबलेट करने के लिए, एक इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, इम्यूनिटी को कंसिस्टेंट बनाए रखने के लिए अपनी बॉडी में, जिससे कि हमें किसी टाइप की बीमारी जल्दी से ना पकड़े, खास तौर से बच्चों में हमें एक्स्ट्रा हेल्प की जरूरत पड़ती है. आपने देखा होगा कि मैंने एक वीडियो डाला है जिसमें बच्चों की मॉनसून केयर के बारे में सारी चीज़ें उसमें इंक्लूडेड हैं, चाहे उनकी क्लोथिंग से रिलेटेड हो, चाहे उनके खान पान से रिलेटेड हो. तो एक बार आप उस वीडियो को भी जाके देखिएगा, वो वीडियो आपका काफ़ी हेल्प करेगा. और ये वाला जो वीडियो है ये सिर्फ बच्चों के लिए ही नहीं, ये सभी बड़ों के लिए भी है. 1 साल से ऊपर के बच्चों के लिए ये सारी चीज़ें आप इंप्लीमेंट कर सकते हो. कुछ चीज़ें मैं बताऊंगी जो आप अगर आप अपनी डाइट में इंक्लूड करोगे तो आपको बहुत ही ईजी तरीके से आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करने में हेल्प करेंगी. प्लस आपको इनको लेने के लिए या बाहर ढूंढने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ये आप सारी चीज़ें आपके घर में ही अवेलेबल रहती हैं. तो इसमें पहली आ जाती है कि टर्मरिक एंड सैफ्रॉन, मतलब कि केसर और हल्दी. ये केसर और हल्दी अपने आप में जितनी ईजिली अवेलेबल चीज़ें हैं उतनी ही ज़्यादा गुणकारी हैं. इसमें क्या होता है कि हल्दी जो होती है पूरी एंटीऑक्सीडेंट और एंटीबायोटिक्स से भरपूर होती है. प्लस केसर जो होती है बहुत ही अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर माना जाता है. प्लस इसमें भी एंटीबैक्टीरियल और एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज़ दोनों ही होती हैं जो कि हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को इंक्रीज़ करने में काफ़ी हेल्प करती है. तो बड़े हों चाहे बच्चे हों, दिन में एक टाइम हल्दी या सैफ्रन, दोनों में से कोई भी चीज़ डाल के या दोनों ही आप डाल सकते हो, दूध डाल के गुनगुने दूध को ज़रूर पीना चाहिए कि ये बहुत ज़्यादा अच्छा अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हो. इसमें बहुत सारी एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं हल्दी में, जो कि आपकी बॉडी के अंदर किसी भी टाइप का बैक्टीरिया या वायरस आता है तो उससे लड़ने में काफ़ी हेल्प करती हैं, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट रखती हैं, प्लस आपकी बॉडी में एनर्जी बनाए रखती हैं और बाहर से आने वाली बीमारियों के लिए आपको पहले से ही प्रिपेयर रखती हैं. अगला जो आ जाता है वो है विटामिन सी रिच फ्रूट्स. विटामिन सी रिच फूड जो होते हैं वो उसमें क्या होता है, उसमें फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रेश फ्रूट्स होते हैं जो कि मौसम के फल होते हैं. जामुन, गुआवा, पीचेस, चेरीज, लेमन्स भी आते हैं. लेमन्स को लेकिन कोशिश करिए कि छोटे बच्चों को आप नॉर्मल पानी में ना दें, उनको थल के गुनगुने पानी में दें. तो ये सारे जो मौसम के फल हैं जो विटामिन सी से पूरी तरह से भरपूर हैं और विटामिन सी इम्यूनिटी का बहुत अच्छा सोर्स है, तो ये आप अपने खाने में ज़रूर इंक्लूड करिए. अपने बच्चे के लिए भी एक डाइट फ्रूट की ज़रूर रखिए, प्लस अपने लिए भी एक डाइट फ्रूट की ज़रूर रखिए. कोशिश करिएगा कि ये डाइट जो है आप अपने ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में रखें, शाम के टाइम पर फल ना खाएँ इस समय. तो सुबह और दोपहर के खाने के बीच में आप अपने फ्रूट्स को इंक्लूड कर सकते हो. सो फ्रूट्स और वेजिटेबल अपने आप में बहुत ही अच्छे इजी सोर्सेज हैं जिसमें आप ग्रीन वेजिटेबल्स को इंक्लूड कर सकते हो. कोशिश करिए पत्तेदार सब्जियां इसमें इंक्लूड ना करो क्योंकि बारिश के टाइम में पत्तेदार सब्जियों में काफ़ी कीड़े होने की संभावना रहती है. आप जो मौसम की सब्जियाँ होती हैं, घिया हुआ, तोरई हुई, करेला, करेला बहुत ही अच्छा है. करेले के अंदर बहुत ही ज़्यादा एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज़ होती है तो करेला आप इंक्लूड करिए. अगली जो चीज़ें आ जाती हैं जो आप अपनी डाइट में अच्छे से इंक्लूड कर सकते हो वो आ जाते हैं ड्राई फ्रूट्स एंड नट्स. ड्राई फ्रूट्स एंड नट्स जितने ही मतलब खाने में टेस्टी लगते हैं उतने ही ज़्यादा अपने न्यूट्रिशन प्रॉपर्टीज़ के लिए जाने जाते हैं. ड्राई फ्रूट्स एंड नट्स आप किसी भी मौसम में खा सकते हो. गर्मियों में चाहो तो आप भिगो के खा सकते हो, सर्दियों में आप उनको नॉर्मली खा सकते हो, बारिश के मौसम में आप उनको नॉर्मली भी खा सकते हो. लेकिन हर चीज़ की एक मिनिमम क्वांटिटी होती है जो डिपेंड करता है कि एक्सेस अमाउंट में भी ना खाए जाएँ और खाए भी जाएँ जिससे कि इम्यूनिटी भी आपकी बरकरार रहे. तो ड्राई फ्रूट्स एंड नट्स आप बच्चों को बारिश में रोस्ट करके दे सकते हो, जो इसे वो एज ए स्नैक खा सकते हैं. चाहे उनको क्रंची काजू बना के दीजिए, चाहे उनको फूल मखाने तल के दे दीजिए घी के साथ, या उनको बादाम दीजिए, उनको रात को भिगो के रख दीजिए, सुबह दे दीजिए. 2 बादाम चाहे तो ऐसे ही भून के खिला दीजिए, 1 या 2 बादाम छोटे बच्चों के लिए. एज के अकॉर्डिंग आप इसकी क्वान्टिटी कम या ज़्यादा कर सकते हो. लेकिन ड्राई फ्रूट्स एंड नट्स इम्यूनिटी का बहुत अच्छा सोर्स है, तो ड्राई फ्रूट्स और नट्स अपने रेगुलर डाइट में एक टाइम थोड़ा सा ज़रूर इंक्लूड करो, जो कि आपकी इम्यूनिटी के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहे.
रहेगा और इससे आपके और आपके बच्चे की हेल्थ काफ़ी ठीक रहेगी। अगला सोर्स चाहिए हमको होता है हमारी बॉडी के लिए विटामिन डी। विटामिन डी जितना हमारा इम्यूनिटी को बूस्ट करता है उतनी ही ज़्यादा हमारी हड्डियों के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। तो विटामिन डी के सोर्सेज जो हैं वो बहुत सारे हैं। इनफैक्ट अगर आप नॉन वेजिटेरियन तो विटामिन डी के बहुत सारे सोर्सेज हैं, जैसे कि आप मीट में आपको विटामिन डी मिलता है, आपको प्रॉन्स में मिलता है, लेकिन क्योंकि मैं एक वेजिटेरियन हूँ तो मैं डी का मेरे पास इतना ज़्यादा कोई सोर्स नहीं है। और सबसे बड़ा सोर्स हो जाता है धूप, तो आप कोशिश करिए जब भी धूप निकले थोड़ा टाइम धूप में ज़रूर बैठे। नेक्स्ट हो जाता है मशरूम्स। मशरूम्स आप अपनी डाइट में इंक्लूड करो। मशरूम मुझे खास इतने पसंद नहीं है, लेकिन विटामिन डी का सोर्स है तो हम भी अपनी डाइट में इंक्लूड इनको करते हैं। तो कोशिश करिए कि मशरूम्स आप अपनी डाइट में इंक्लूड करिए। अगर आप वेजिटेरियन हो तो विटामिन डी का बहुत अच्छा सोर्स है, प्लस धूप में थोड़ी देर सैर करना और थोड़ा देर आप धूप में अपना शरीर को ज़रूर सेकें, तो जो वो सुबह की जो धूप होती है, मतलब सुबह 9 बजे से पहले की धूप, काफ़ी अच्छी रहती है आपकी बॉडी के लिए। तो जब भी धूप निकले अच्छी, तो आप अपनी विटामिन डी का सोर्स धूप से बहुत अच्छे से ले सकते हो। प्लस उसके साथ एक प्रॉपर हल्दी वाले दूध की डाइट लेते रहो दिन में एक बार, तो वो काफ़ी अच्छा आपको न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स देगा, क्योंकि कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए विटामिन डी ज़रूरी होता है। तो विटामिन डी के लिए चाहिए होता है आपको धूप। अगला आ जाता है कि यूँ तो बारिश बहुत ही अच्छा सीज़न है, लेकिन बच्चों के लिए कहा जाता है कि दूध बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स आप अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करें। अपने बच्चों की डाइट में तो इंक्लूड होता ही है, आप इसको थोड़ा सा और वैरायटी और थोड़ा सा एंटरटेनमेंट की तरह इंक्लूड करिए। लाइक आप पनीर, बच्चों को घी में भुना हुआ पनीर बहुत अच्छा लगता है, हल्का सा सॉल्ट डाल के 1 साल से ऊपर के बच्चों के लिए आप बिल्कुल माइनर सा सॉल्ट डाल के और घी में पनीर को भून कर दे सकते हो छोटे छोटे पीसेज में, जो कि उनको एक बहुत अच्छा स्नैक्स फील कराते हैं। आप बच्चों को कर्ड के साथ फ्रूट स्मूदीज बना के दे सकते हो। फ्रूट स्मूदीज बच्चों को बहुत पसंद है, चाहे वो किसी भी फ्लेवर का हो सकता है। अगर आपका बच्चा पपाया बहुत ज़्यादा पसंद करता है तो आप उसको पपाया फ्लेवर की कर्ड के साथ स्मूदी बना के देख सकते हो। स्ट्रॉबेरीज अगर आपके पास अवेलेबल है तो स्ट्रॉबेरी फ्रूट का आप उसको कर्ड बना के दे सकते हो। अगर आपके बच्चे को बनाना के साथ कर्ड बहुत पसंद आ रहा है तो आप उसको कर्ड और बनाना दे सकते हो। दैट मीन्स डेयरी प्रोडक्ट्स को आप इंक्लूड करिए, चाहे वो चीज़ हो, चाहे वो कॉटेज चीज़ हो, चाहे वो आपका दही हो, चाहे वो दूध हो, तो दूध को हल्दी वाला या सेफ्रॉन मिल्क बना के जिंजर मिल्क बच्चे को दे सकते हो। बच्चे की इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए आप जिंजर, लौंग और इलायची, इन चीज़ों का सहारा ले सकते हो। इनका दूध आप उसको बना के दे सकते हो, अलग अलग फ्लेवर का दूध दे सकते हो। ये बोनवीटा, हॉर्लिक्स, इन सबसे लाख गुना ज़्यादा बेटर है कि हमारे घर में जो चीज़ें अवेलेबल है वो इम्यूनिटी बूस्टर में बहुत ही अच्छी हेल्प करती हैं। प्लस क्या होता है कि इम्यूनिटी का एक अपना ही एक अलग वो है कि आपको सबसे अच्छी बात है कि आपको दवाइयाँ नहीं खानी पड़ती, क्योंकि लास्ट टाइम मेरी जब काफ़ी तबीयत ख़राब हुई थी तो मैंने दवाइयाँ खाई थी। दवाइयों के साथ साथ मैंने अपनी जो खान पीन है उसमें काफ़ी चेंजेस करे, तो उससे मेरे को लगा कि मेरे हेल्थ बेनिफिट्स जो मुझे मिले हैं वो मेरे खान पीन को चेंज करने से मिले हैं। प्लस कोशिश करती हूँ कि मैं बारिश के टाइम में शाम को 6 बजे से पहले अपना डिनर कर लूँ, जिससे कि मैं टाइम से सो पाऊँ, मेरा खाना प्रॉपर डाइजेस्ट हो पाए, प्लस मेरे को किसी भी टाइप का इंडाइजेशन इशू ना हो। तो मैं अपनी बेटी के लिए भी कोशिश करती हूँ कि वो शाम को 7 बजे से पहले अपना डिनर कर ले। बहुत इजी है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ब्रेकफास्ट अगर जल्दी कराते हो, लंच जल्दी कराते हो, तो डिनर भी जल्दी कराने में कोई इशू नहीं है। डिनर जल्दी कराने से क्या होगा, बच्चे का खाना प्रॉपर डाइजेस्ट हो पाएगा और सोते टाइम उसको एक अच्छा सा दूध बना के दीजिए जिससे पी के वो अच्छे से सो पाएगा और टाइम से भी उसको नींद आएगी। तो अर्ली डिनर के बहुत सारे फ़ायदे हैं। आयुर्वेदिक में अगर आप जाके देखोगे तो अर्ली डिनर करने वालों को काफ़ी हेल्दी माना जाता है, प्लस उनसे उनकी जो इम्यूनिटी पावर है वो भी काफ़ी स्ट्रांग होती है। तो आई होप कि आपको पता चलेगा कि अर्ली डिनर करने के भी इम्यूनिटी पे काफ़ी सारे बेनिफिट्स रहते हैं। प्लस बच्चों को खेलने दीजिए, कूदने दीजिए, बारिश से जो भी इन्फेक्शंस हैं उनसे तो आपको उनको लड़ने के लिए साफ़ सफाई का ध्यान रखना ही पड़ेगा। तो प्रॉपर हाइजीन भी मेंटेन करिए। प्रॉपर हाइजीन बहुत सारी चीज प्रॉब्लम्स को आपसे दूर रखने में काफ़ी हेल्प करती है। प्लस अभी कोरोना टाइम चल रहा है तो कोरोना वायरस से लड़ने के लिए एक हाइजीन सबसे बड़ा बेनिफिशियल है। प्लस घर में रहिए, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। तो ये स्टे सेफ और स्टे हेल्दी का नारा तो सभी लगाते हैं, लेकिन स्टे सेफ और स्टे हेल्दी रहने का सबसे अच्छा मतलब है कि आप अपनी बॉडी को सबसे ज़्यादा इम्यूनिटी बूस्टर रखिए। तो ये सारी चीज़ जो मैंने आपको बताई है आपकी बॉडी की इम्यूनिटिंग पावर को काफ़ी स्ट्रांग करेंगी, प्लस ये आपको आगे के आने वाली बीमारियों से या आगे वाले जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्फेक्शंस हैं उनसे बचाएंगी। तो अगर आप अपनी डाइट में ये चीज़ें इंक्लूड करोगे तो आपको काफ़ी बेनिफिट्स होने वाले हैं। तो इसी के साथ आज का वीडियो मैं एंड करूँगी। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करोगे तो बहुत सारे अच्छे नोटिफिकेशंस मिलेंगे, प्लस हमारी फैमिली फ़ोटोज़ भी देखने को मिलेंगी। कोशिश करिएगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब आप जल्दी और अभी के अभी करो। तो ये बटन आपके नीचे दिया हुआ है, रेड कलर का बटन है,
प्लस उसके साथ में ही एक बेल आइकन है, अगर आप उसको प्रेस करोगे तो आपको लेटेस्ट वीडियोज़ के अपडेट्स हमेशा आते रहेंगे। तो कोशिश करिए ये आप अभी कर लीजिए, सो देट हमको भी काफ़ी सपोर्ट मिलेगा। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। सो थैंक यू, बाय बाय।